देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स आज स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने खिलाड़ियों से, जिस तरह से वो दिन रात पसीना बहा रहे हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं अपने देश को मेडल दिलाने के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगी खिलाड़ियों से कि अपना जो आपने मेहनत की है, बस दिल खोलकर वो परफॉर्मेंस अपना देना, दिल खोलकर अपना जो 100% कहते हैं 100% देंगे तो रिजल्ट अपने आप में बेहतर हो जाएगा। और देश आपके स्वागत के लिए नजरें बिछा कर यहाँ पे तैयार रहेगा। बस आप देश के लिए मेडल लेके आए और हम सब लोग आपके स्वागत में इंतजार करेंगे। कहीं ना कहीं मेडल तालिका में हमारा देश, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि मेडल तालिका में बहुत ऊपर जाने वाले। मैं भोजपुर की धरती के साथ साथ हमारे 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कंवर सिंह की धरती पे भी आई हूँ, तो ये मेरे लिए अपने आप में ही गर्व का पल है और गर्व का समय है कि मैं इतना गर्व महसूस कर रही हूँ। और उससे भी गर्व का पल है कि मैं माँ काली के मंदिर में बैठकर और आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पार्टी संगठन के कार्यक्रम के नाते से ही यहाँ पे प्रवासी के तौर पे मैं आई हूँ और यहाँ पे बस लोगों से मिलूँगी, जनसंवाद करूँगी कि यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं छोटी मोटी। वैसे तो हमारे विधायक जी ने कोई समस्या छोड़ी नहीं होगी जिस तरह से इनके कार्य के बारे में सुन रहे हैं, बट फिर भी अगर कुछ छोटी मोटी हमारे भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना है, तो उसमें कहीं छोटी मोटी त्रुटियां हैं, कहीं कमी रह गई है, तो हम उनको सुधार के वो लोगों तक पहुँचाएँ जिनके लिए ये जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। और जिन जो लोग यहाँ पे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो उन लोगों से भी हम लोग मिलेंगे, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, संगठन की भी बातें होंगी, संगठन के कार्य से भी कहीं कोई मंडल की लगा लो, पन्ना प्रमुख की लगा लो, तो कोई रचनाओं में कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त करेंगे और संगठन की हम रचना करेंगे। जी ये मुझे लगता है एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये महिलाओं के कहीं पक्ष में दिया होगा। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए भी ये इस तरह की गैर जिम्मेदार जो बयान देते हैं वो बहुत बड़ा शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए मैं कहूँगी कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए जो कि एक महिला विरोधी उन्होंने बयान दिया है, एक दलित विरोधी बयान उन्होंने दिया है, एक माननीय राष्ट्रपति महामहिम जो हमारे देश की सर्वा पद के ऊपर बैठी हैं उनके बारे में इतना बड़ा बयान देना, और ये अपने आप में ही मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक जो बयान उन्होंने दिया। बिल्कुल, हम लोग भी यही कहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ यहाँ की कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के जितने भी नेतृत्व हैं बड़े पद पे बैठे हैं उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतना बड़ा बयान जो है अधीर रंजन चौधरी ने जिम्मेदार होते हुए गैर जिम्मेदारान जो बयान दिया है उसके लिए। अभी तो पता जिंदाबाद।